तूने ये क्या किया, बेवफा बन गया, वादा तोड़ के चल दिया इस तरह। राहों में तू मुझे पीछे छोड़ के आगे तू निकल गया, साथी तू बदल गया। तोड़ी दोस्ती ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना। दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो हमारे और आपके संवेदनशीलता की जिसे सबसे ऊंची इकाई है उसको चीरते हुए बेहद संवेदनशील घटना है। दोस्तों दोस्ती की एक सच्ची मिसाल, मानवता की एक सच्ची सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला, जहाँ पर एक हिंदू परिवार का एक हिंदू युवक अमृत अपने दो छोटे भाइयों और पांच बहनों को छोड़कर एक दूसरे राज्य में रोटी रोटी कमाने जाता है अपने एक मुस्लिम दोस्त याकूब के साथ। दोनों दोस्त गुजरात पहुंचते हैं और कपड़े मिल में काम करने लगते हैं जिससे उनके घर की रोजी रोटी चलती है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद हो जाती है और दो महीने तक कंपनी बंद होने की वजह से इनको इनकी तनख्वाह नहीं मिलती है। तनख्वाह ना मिलने की वजह से दो वक्त के खाने के साथ साथ मकान का किराया और ना जाने कितने तरीके की समस्याएं इन्हें झेलना पड़ता है। फिर इन दोनों युवकों ने सोचा और ये तय किया कि अब ये अपने गांव बस्ती वापस जाएंगे और इसके लिए इन्होंने 4,000 रुपए देकर एक ट्रक की सवारी की। इस ट्रक में इनके साथ 50 मजदूर और थे। दोस्तों ऐसे समय में भीषण गर्मी में ये सारे मजदूर ट्रक के ऊपर छत पर बैठ कर आ रहे थे। गर्मी का ये हाल है, भीषण गर्मी की वजह से इन लोगों की हालत बहुत खराब थी और भरपेट भोजन ना मिलने की वजह से, पानी ठीक मात्रा में ना मिलने की वजह से सबकी हालत खराब थी। लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में अमृत की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। अमृत को उल्टियां आने लगती हैं। अमृत की तबीयत खराब होने से ट्रक में बैठे जितने मजदूर हैं उनको ये लगता है कि अमृत को कोरोना वायरस हो गया है। फिर सारे मजदूर बवाल करने लगते हैं और ये ठान लेते हैं कि अमृत को ट्रक से उतार दिया जाए। ट्रक ड्राइवर शिवपुरी में अमृत को उतारने का निश्चय करता है फोर लेन के पास। जब अमृत को उतारा जाता है तो उसका मुस्लिम दोस्त याकूब भी उसके साथ उतरने का निश्चय करता है और उस रोड पर, उस हाईवे पर इन दोनों मजदूरों, इन दोनों युवकों को उतार दिया जाता है। उतरने के बाद अमृत की तबीयत अचानक से और भी खराब होने लगती है, हालत गंभीर होने लगती है। तो अमृत को अपने गोद में लेकर याकूब रोड के किनारे बैठा आस पास आ रहे लोगों के साथ साथ वाहनों से मदद मांगता रहता है, चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है ताकि अमृत को ठीक समय पर अस्पताल पर पहुंचाया जा सके। लेकिन बहुत अधिक मशक्कत के बाद याकूब अमृत को लेकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत अधिक देर हो चुकी रहती है। वेंटिलेटर बेड पर लेटाने के बाद भी अमृत की जान नहीं बच पाती है। अब अमृत जो है वो हमारे और आपके बीच में नहीं है। अमृत के परिवार वाले अब आ चुके हैं और अमृत को ले जाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बता देते हैं कि 14 घंटे हो जाने के बावजूद अभी तक एम्बुलेंस नहीं मिल पाई है इन परिवारों को ताकि ये अपने मरे हुए बेटे के लाश को लेकर अपने गांव वापस जा सकें। दोस्तों कोरोना का टेस्ट हो गया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो ये नहीं पता कि असल में अमृत की मौत क्यों हुई है। पर डॉक्टरों का ये बताना है कि तेज धूप की वजह से, पानी की कमी हो जाने से, डिहाइड्रेशन की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से जो है इनको अमृत की तबीयत खराब हुई है। दोस्तों आज आपको बता देते हैं कि ऐसा माहौल जो हमारे और आपके बीच में बनाया जा रहा है, जो हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा रहा है, इसके बावजूद एक दोस्त जो अलग संप्रदाय है, दो अलग अलग संप्रदाय के दो युवक जो अपनी दोस्ती की ऐसी मिसाल पेश किए हैं कि जो
आज के समय में जो हम और आप झेल रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव झेल रहे हैं, ऐसे समय में एक ऐसी तस्वीर जो कोरोना वायरस खत्म होने के बाद ये तस्वीर सच्चे योद्धा कहलाएंगे। हमारे और आपके संप्रदाय में, हमारे और आपके देश में हिंदू मुस्लिम साथ रहकर एकता की बात कही गई है, लेकिन आजकल का माहौल इसके ठीक उलट है। लेकिन इन दोस्तों ने एक सच्ची मिसाल पेश की है और ये एकता की एक ऐसी मिसाल है जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ एक बात और समझ लेते हैं, अगर किसी भूखे को भूख लगी है तो उसको सबसे पहले रोटी दिखेगी। ये रोटी हिंदू ने बनाई है कि मुसलमान ने बनाई है ये नहीं दिखता है। दोस्तों भूखे को रोटी चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं। दोस्तों एक बात और समझिए, इस ट्रक में जहाँ ये दो युवक आ रहे थे उस ट्रक में हिंदू मुस्लिम कई मजदूर थे। दोस्तों जब अमृत की तबीयत खराब होती है तो किसी हिंदू मजदूर ने ये नहीं कहा कि अमृत हिंदू है तो इसे हम नहीं उतरने देंगे, और अगर अमृत की जगह याकूब होता तो मुझे पक्का विश्वास है कि कोई मुस्लिम मजदूर ये नहीं कहता कि याकूब मुस्लिम है तो हम इसे नहीं उतरने देंगे। आज का माहौल ही ऐसा है कि हर इंसान अपने आप को सुरक्षित अपने घर पहुंचाना चाहता है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले लोग पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। कोरोना को भी हरा रंग देने की कोशिश की जा रही है। हालत इतनी खराब है कि अगर सब्जी और फल बेचने वाला सुनील है तो ठीक है, लेकिन अगर वो सोहेब है तो उसको मारेंगे, उससे सब्जी नहीं खरीदेंगे, उसका आधार कार्ड देखकर उसे प्रताड़ित करेंगे। ये जो माहौल बनाया जा रहा है वो बेहद शर्मनाक है। दोस्तों ये जो हिंदू राष्ट्र प्रेमी जो नेता थे, जो समय समय पर सारे लोगों को पाकिस्तान भेजने के लिए बार बार कह रहे थे, आज मुझे वो नहीं नजर आ रहे हैं कि वो किसी हिंदू मजदूर को रास्ता दिखाए, किसी हिंदू मजदूर को उनके घर पहुंचा दें। सीए और एनआरसी थे, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से उन हिंदुओं को वापस ले आने की बात की जा रही है जिन्हें वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ समझना ये है कि ये जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारतीय मजदूर हैं, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, उन मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कोई सरकारें आगे नहीं आ रही हैं। ये जो हिंदू राष्ट्र प्रेम है, जो हिंदुओं को प्रमुखता से रखने वाले ये जो लोग हैं, वो आज हिंदुओं के साथ क्यों खड़े नहीं नजर आ रहे हैं? ठीक है आपको मुसलमानों से प्रॉब्लम है, तो उन हिंदुओं के साथ आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? उन करोड़ों मजदूरों में से जो पैदल चल रहे हैं उसमें 80% हिंदू हैं। इन हिंदुओं के लिए आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? आपका हिंदू प्रेम क्या इन मजदूरों के साथ नहीं नजर आ रहा है? क्या ये जो हिंदू मजदूर हैं वो आपको हिंदू नजर नहीं आ रहे? आप पाकिस्तान बांग्लादेश से तो हिंदुओं को ला सकते हैं, लेकिन यहाँ के हिंदुओं के साथ आप कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों ये जो मजहबी लड़ाई लड़ाने की कोशिश की जा रही है, मजहबी तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर हमारे और आपको बांटने की कोशिश की जा रही है, उस पर एक छोटा सा लाइन बोलना चाहती हूँ। चलो यारों मिलकर एक ऐसा मजहब बनाया जाए जहाँ एक इंसान को बेहतर इंसान बनाया जाए, जहाँ इंसानों को मजहबी लड़ाई लड़ा करना इंसान के बीच इंसानियत बढ़ाने की कोशिश की जाए। दोस्तों ये जो घटना है वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमें और आपको समझना होगा कि ये जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर आपस में एक दूसरे को बांटा जा रहा है वो एक राजनीतिक पार्टी द्वारा सेकी जाने वाली एक रोटी है। इससे ना हमारा भला होगा ना आपका भला होगा। हमें और आपको साथ मिलकर ही इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों की गंदी राजनीति को खत्म करना होगा। तो दोस्तों आपसे अपील है कि आप ऐसे बेवजह की बेफजूल की बातों में अपना ध्यान ना लगाएं। कोई बोलता है हिंदू बन जाओ और कोई बोलता है मुसलमान बन जाओ, कोई बोलता है हिंदू बन जाओ तो कोई बोलता है मुसलमान बन जाओ, लेकिन यारों कुछ ऐसा कर जाओ कि हर मजहब की पहचान बन जाओ। इसी शायरी के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। दोस्तों ये जो दोस्ती है वो कहीं फिल्मों पर जय और वीरू के साथ दिखाई जाती है, तो कहीं हमारे लीडर राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्ला खान की दोस्ती, ये दोस्ती ऐसी है जो हमारे मजहब को नहीं देखती। ये दोस्ती सिर्फ प्यार, मोहब्बत और इंसानियत देखती है। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, और हाँ हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप वीडियो के नीचे कमेंट लिखें ताकि अगले वीडियो में हम ऐसे 5 कमेंट को अपने इस वीडियो में शामिल करेंगे जो बेहतरीन होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कमेंट को अपने वीडियो में डालें तो आप हमें कमेंट लिख भेजिए। नमस्कार और अपना ख्याल रखें। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।